है वो है पब्लिक ओपिनियन, जनमत। जैसे ही पब्लिक ओपिनियन इस शब्द को हम बोल रहे हैं तो हमें दो शब्दों का आभास हो रहा है, पब्लिक प्लस ओपिनियन, जनमत। अगर हम जनमत की बात करें तो जनमत दो शब्दों से मिलकर बना है, जनता का मत। अगर हम जनमत को देखते आए तो प्राचीन काल से ही पब्लिक ओपिनियन या जनमत जो था वो चला आ रहा था। अगर हम पहले की बात करें, राजा महाराजा के काल हुआ करते थे, राजा भी अपनी नगरी में जनमत करता रहता था, लेकिन क्योंकि राजा का पद जो होता था वो उत्तराधिकार के आधार पर होता था, राजा का पुत्र जो होता था अगला राजा बनता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीकों से जनमत या पब्लिक ओपिनियन किया जाता रहा है। अगर मैं तुम्हें एक पौराणिक धार्मिक ग्रंथ के एक एग्जाम्पल से बताऊं, जब सीता जी वनवास करके लौटी और श्री राम जी उनको अयोध्या लेकर गए, तो श्री राम जी ने जनता का मत देखा कि जनता अब क्या बोल रही है। वो जनता के बीच में पहुंचे और लोगों के विचारों को जाना, लोग कहने लगे अरे रावण के पास थी सीता, वहां रही है। तो सीता माता के जो चरित्र है उस पर आक्षेप लगने लगे। इसी को जब श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि वो एक राजा थे, राजा के मंतव्य से देखा, तो प्यार वो सीता जी से बहुत करते थे, लेकिन जनमत संग्रह को देखते हुए सीता जी को उन्हें त्यागना पड़ा। और सीता जी को जब उन्होंने बताया तो सीता जी राजमहल छोड़कर चली गई। ये तो पौराणिक कथा हुई, पौराणिक गाथा हुई। कहीं ना कहीं तुम्हें इस जनमत शब्द का, पब्लिक ओपिनियन शब्द के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। आज जिस लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं भारत में, इस लोकतांत्रिक देश में जो जनता होती है वो सर्वोपरि होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं हम सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और हमारे वोट के निर्णायक वोट के आधार पर ही सरकार चुनकर आती है और हमारे ऊपर प्रशासन चलता है, लेकिन इसमें जनता सर्वोपरि होती है, जनता का मत सर्वोपरि होता है। तो जनमत कहते हैं जनता का मत, जो जनता ज्यादा से ज्यादा विचारधाराएं, रुचि, उद्देश्य जिनके पीछे निहित रहते हैं उनको जनमत की संज्ञा दी गई है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, आज भी थोड़ा इस बारे में बताऊंगी। जनमत में जनता दो शब्दों से मिलकर बना है, जनमत जनता और मत पब्लिक ओपिनियन। कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार मैंने देखा था एक क्वेश्चन आया था, क्या जनता पब्लिक और क्राउड भीड़ दोनों एक ही होती है? तो मैंने कल भी समझाया था क्राउड अलग होता है और जनता अलग होती है। इसका रीजन भी समझाऊंगी, इसकी विशेषताएं भी बताऊंगी क्या होती है। देखो मैंने अभी दो शब्दों की बात करी है, जनता की और भीड़ की। जनता यानी पब्लिक, भीड़ यानी क्राउड दोनों ही व्यक्तियों के समूह है। भीड़ किससे बनती है? हम लोगों से ही। अक्सर अब तुम बाहर कोई शोर मचाने लगे, आवाजें आने लगे, दौड़ दौड़ के तुम जाके देखने लगोगे अरे भाई कौन शोर मचा रहा है। सब्जी मंडी में सब्जी तो सब बेचते हैं, टमाटर 10 रुपए किलो, सारी जनता उनके पास, सारी भीड़। जनता नहीं कहेंगे, भीड़ कहेंगे। एक्सीडेंट हो गया, तुम रास्ते में जा रहे थे, फिर तुमने देखा क्या हुआ, भीड़ लगी है, देखे जरा हम भी उतर के क्या हुआ है, अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, चलो अपने घर, बचा ही लेगा कोई ना कोई जब इतनी भीड़ खड़ी है। ऐसे ही मैं देखती हूँ कई बार जब मैं यहाँ से देहरादून के लिए जाती हूँ तो रास्ते में कई गाड़ियाँ रुकी रहती है, तो मुझे सहज ही आभास हो जाता है कोई जानवर है, क्योंकि जिस कॉरिडोर में हम रहते हैं ये एलिफेंट कॉरिडोर बोला जाता है। लोगों में उत्सुकता होती है कि क्या है, तो मेरे अंदर भी ईगरनेस होती है कि देखें क्या है, तो देखा कि हाथियों का झुंड खड़ा है। वो भीड़ जो होती है क्षणिक भर की होती है, क्षणिक भर के लिए लगती है और क्षणिक क्षण भर में भीड़ छट जाती है। लेकिन जनता जो होती है, जनता मैंने कहा ना जनता अलग होता है और भीड़ अलग होती है, जनता जो होती है उन सभी व्यक्तियों की समान रुचियां होती हैं, समान मानसिक दशाएं होती हैं, समान
उद्देश्य होते हैं, समान उनका मत होता है, उसको हम जनता कहते हैं, वरना हम सबको भीड़ बोलते हैं। इस समय क्लासरूम में आप सभी कक्षाएं ले रहे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, अब ये बताओ ये भीड़ है कि जनता है? जनता। कैसे? देखो तनु मैडम हर समय सही नहीं होती, पजल भी करती है तनु मैडम, तुम दूसरों की बातों में मत जाओ, अपने आप बताओ कुछ कह रहे हैं जनता, कुछ कह रहे हैं भीड़, अब मुझे लॉजिक समझाओगे कैसे? इस समय तुम सबका पर्पस एक है, पढ़ना। इस समय तुम क्लास लेने आए हो सब लोग, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स लेने तो नहीं आए, यहाँ पर तुम कुछ देखने तो नहीं आए, कोई शो तो नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही रुचि है, घर से तैयार होकर निकलना और क्लास में जाके मैडम का लेक्चर लेना। ये जो होगा ये जनता है। भीड़ कब होती है बेटा, समझो फिर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत होना। उद्देश्य अलग अलग होते हैं, मैंने कहा ना समान रुचियां, समान। हाँ तुम्हारे करियर के उद्देश्य, तूने क्या सोचा आकृति कि हमारे करियर के उद्देश्य अलग है, पूजा टीचर बनना चाहती है, जो साधना है वो चाहती है कि ये कॉर्पोरेट में चली जाए, शिक्षा सोशल वर्क करना चाहती है इसलिए इसने सोशियोलॉजी लिया है, सबके उद्देश्य। लेकिन इस समय तुम्हारे सबका मोटिव है कक्षा में पढ़ना, परीक्षा को पास करना और परीक्षा में उत्तीर्ण होना। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं जब तुम सब परीक्षाएं देने जाओगे तो वो भीड़ होगी कि जनता? सोचने का मौका ही मत दो, जनता होगी भाई, सबकी समान रुचियां, परीक्षा पास करना और बस डिग्री हासिल करना। कोई ऐसा होगा जो आया होगा कि नहीं मुझे फेल होना है इसलिए मैं आया हूँ, डिग्री ना मिले, ऐसा कोई सिंगल पॉइंट सिंगल पर्सन भी नहीं होता। कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाते हैं वो भी जनता है, सबका उद्देश्य है जितनी सीटें मिली है एक मुझे मिल जाए बस। क्राउड इज डिफरेंट, क्राउड कहते हैं भीड़ को। मैं सामान लेने जा रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, लेने तो सामान जा रही थी फिर देखा अच्छा एक्सीडेंट हो गया भाई किसी का, चलिए तो होश में आ गया, लोग पानी भी पिला रहे हैं, चलो अपने घर को, ये तो ठीक हो गया। ठीक है तो ऐसे इसको कहते हैं क्राउड। हालांकि टमाटर बिक रहे थे तो टमाटर वाले से आकर्षित होकर 10 रुपए में सब इकट्ठे हो गए, लेकिन वो क्षणिक भर की होती है बेटा, क्षण भर के बाद वो क्या होता है अलग अलग हो जाते हैं। क्राउड इज डिफरेंट एंड पब्लिक इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज है। तो जनमत कहते हैं जनता का मत, पब्लिक ओपिनियन। आया समझ में? किमाल यंग ने पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन देते हुए कहा है किसी अमुक समय पर किसी जनसमुदाय के मत ही जनमत निर्मित करते हैं। ध्यान देना, अमुक समय किसी समय पर जनता की किसी जनसमुदाय मतलब अगर मैं कहने लगूं बच्चों तुम सभी फीमेल्स इस समय क्लास में हो, कोई भी मेल नहीं है और मैं भी फीमेल हूँ, मैं कहने लगूं बच्चों आप एक अपने राय दीजिए कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं। ठीक है तो कुछ अगर बाय चांस इस क्लास में कुछ मेल्स भी होते तो जनमत निकल के आ सकते थे, वेरिएशन हो सकता था, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारी क्या राय है, कौन ऐसा है इस क्लासरूम में जो ये मानता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? तुम में से कोई भी नहीं मान रहा, इवन मैं भी नहीं मान रही हूँ, क्योंकि हम अपने घर से बाहर निकले हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तभी तो आज हम इस क्लासरूम में मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, तुम सब मुझे यहाँ पर पढ़ने आए हो, अपने अपने घरों से आए हो। कहने का मतलब जब किसी जन समुदाय के जो होता है एक ही मत और जनमत निर्मित करते हैं और साथ ही साथ रुचियां इंटरेस्ट, तुम्हारी रुचियां समान हो, ठीक है, तुम्हारे उद्देश्य समान हो, तुम्हारे हित समान हो, हित क्या कहते हैं राइट्स, तुम्हारे इक्वल हो, तो जब हम सभी लोग मिलकर एक विचारधारा एक सोच एक रुचि रखते हैं उसको जनमत की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, हमारी रुचि, हमारे राइट्स, ठीक है,
प्रेशर ग्रुप की बात की जाती है, दबाव समूह की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं जब हम मिलकर एक ही विचारधारा रखते हैं, इवन तुमने देखा होगा कई बार समाचार पत्रों में किन्हीं चीजों के बारे में तुम्हारे मत जाने जाते हैं, ठीक है, मत कैसे जाना चाहते हैं। हाल ही में कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस। बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हो, मैं ही गलत फैमिली में थी कि तुम सब टीवी नहीं देखते, राइट। जो जनमत निकल के आया वो कांग्रेस के फेवर में था, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जोर लगाया, सभी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहां की जनता का जो मत था वो किसके फेवर में गया? कांग्रेस के फेवर में गया। तो लोकतांत्रिक देश में जो सरकारें चलती हैं वो चलती ही जनमत से है। तो जहां जन समुदाय किसी विशेष समुदाय या समूह के सर्वाधिक लोगों का मत एक ही होता है उसको कहा जाता है जनमत या पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, ये किम्बालियन की परिभाषा थी। अब आता है जनमत रचना के चरण, स्टेप फॉर्मेशन। हमारे वो स्टेप कौन से, फॉर्मेशन कौन से हैं जो पब्लिक ओपिनियन के लिए होते हैं? स्टेप मतलब वो चरण कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं ना, पब्लिक ओपिनियन क्यों होते हैं, जनमत क्यों लिया जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या जानकारी इकट्ठी की जाती है? तो सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं समस्या, या कोई टॉपिक विषय, जब कोई समस्या होती है जैसे आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी समस्या महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, हमारे पास कोई समस्या है उसके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब हम जनमत का प्रयोग करते हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है, चाहे उसे इलेक्शन भी ले लो चाहे चुनाव ही कह लो। अब जैसे महाविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन होता है, तुम सब अपने आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से वोट देते हो, ठीक है, जो हमारे कॉलेज में इलेक्शन हुए थे तुम सभी लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया और अपने वोट दिए थे। मैं पूछने लगूँ किस आधार पर दिए थे, तो तुमने कहा कि मैडम जो हैं ये हमारे हित के लिए काम करते हैं या हमारी सुनते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, कई बार हमारे को ऐसा लगता है हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई विषय या ऐसी कोई समस्या, ध्यान रखना, प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसके लिए जनमत संग्रह करना पड़ता है, जनमत संग्रह मतलब वो पब्लिक ओपिनियन लेना पड़ता है, मान जानना पड़ता है कि जनता इसके पीछे अपनी क्या राय रखती है, जनता दिल्ली में किसकी सरकार लाना चाहती है, जनता जो है अब आगे आप देख रहे हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इस चुनाव में जनता क्या चाह रही है, किसको, या तो मोदी जी को दोबारा चुनेगी या वो हटके दूसरी सरकार लाना चाह रही है, तो ये टॉपिक है विषय। प्रॉब्लम जो होती है समस्याएं, ठीक है, कई मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं के संबंध में देखो सरकार जब कृषि कानून लाई थी, कृषि कानून के बाद उन्होंने बहुत सारे जनमत संग्रह किया था, कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने अगेंस्ट में हैं। अगर मैं तुमसे कहने लगूं बच्चों अब जो समर वेकेशन पढ़ने वाले हैं इसमें भी तुम्हारी क्लास लोगी, तुम कहोगे हमें तो छुट्टी करनी थी मैडम, इसमें भी क्लास लेने की बात कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा तुम क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हो कौन आना चाहता है, हाथ खड़े करो, खड़े करो, कौन नहीं आना चाहता है? तो मुझे पता चल गया है जनमत संग्रह के माध्यम से तुम लोग छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना जो हमारे स्टेप फॉर्मेशन है पब्लिक ओपिनियन के वो ये स्टेप फॉर्मेशन है। फर्स्ट है हमारी कोई प्रॉब्लम या कोई टॉपिक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रारंभिक खोजबीन, जो हमारी जो प्रारंभिक खोजबीन होता है, प्रारंभिक खोजबीन क्या होता है कि जब पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए खोजना, ढूंढना, जानना, जानकारी एकत्रित करना, रिसर्च एक तरह से, जो प्री रिसर्च कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं पहले से ही खोजबीन करना, किसी कार्य को करने से पहले ये देखना कि कार्य सक्सेसफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे अगर कोटा शहर में एक व्यक्ति जो है अपना व्यवसाय खोलना चाहता है,
और वो जानना चाहे कि लोग इस व्यवसाय में या इस शॉप में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करता है, पहले सर्वे करता है। जितने भी सोशल रिसर्च में सर्वे किए जाते हैं उसमें हमारी जनता की, लोगों की राय ली जाती है कि जनता इसके बारे में क्या राय रखती है, सकारात्मक रखती है कि नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रारंभिक खोजबीन कहते हैं कि शो में एक्सप्लोर मतलब जानना, खोजना कि वास्तव में इसके पीछे क्या संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा, अगर तुम ध्यान दो, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ग्राहकों से फीडबैक लेती हैं, ठीक है। इवन तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, शॉपिंग के करने के बाद तुमसे पूछा जाता है प्रोडक्ट तुम्हें कैसा लगा, तो तुम्हें लगेगा अरे 500 रुपए के क्या कपड़े आए हैं, तो तुम बड़ा सा स्माइल में फेस करके उसे 5 एक्सीलेंट देते हो। और फिर तुम्हें लगा अरे यार ये तो बहुत घटिया है, तुम तो फोटो भी डालोगे, नाराजगी भी जाहिर करोगे और वेरी वेरी पुअर भी दोगे। कंपनियां इन्हीं सर्वे के माध्यम से जानती है किस प्रोडक्ट के प्रति खातों का रुझान अच्छा है, और क्या तुम ये जानते हो, उस प्रोडक्ट की कीमत फिर वो तुरंत बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अच्छी चीज को वो ज्यादा पैसे में भी खरीदेगा। आई बात समझ में? तुम्हारे लिए 500 की चीज बहुत अच्छी आई, जो तुम्हें कोटद्वार में 1000 की मिल गई, तुम उसे 700 में भी खरीदो। तो तुम समझिए पब्लिक ओपिनियन के महत्व को, समझिए पब्लिक ओपिनियन सिर्फ जनमत के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए नहीं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो सर्वे कराती है उनमें भी यूज होता है। तो ये होती है प्रारंभिक खोजबीन, ठीक है। देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, मैं बार बार बताती हूँ, आंसर राइटिंग करते हुए उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रारंभिक खोजबीन की लाइन को तुम बार बार लाइनें रट रट के एक पैराग्राफ बनाओ, नहीं, दो लाइनें, एक लाइनें सफिशियंट है, बाकी लाइनों को तुम एग्जामिनर को भी समझाइए। प्रारंभिक खोजबीन का मतलब होता है जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है, वो सर्वे कराती है, इवन जब फूड डिलीवरी होती है जोमैटो स्विगी पर, तो कहते हैं कि डिलीवरी बॉय को फीडबैक दीजिए। अगर डिलीवरी बॉय को फीडबैक अच्छा मिलता है तो कंपनी उसकी सैलरी इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है कि इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके 5-स्टार रेटिंग कर देती है। ये सब शब्दावलियों से तुम भली भांति परिचित होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनमत की संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जनमत जो पब्लिक ओपिनियन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि जब हमारा फीडबैक लिया जाता है इसमें इवन, तो क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक फीडबैक फॉर्म भेजा था टीचिंग के प्रति, तुम्हारे टीचर कैसा पढ़ाते हैं, क्लास में तुम्हें एग्जांपल देते हैं क्या, समय से क्लास में आते हैं क्या, क्या तुम उससे खुश हो, ठीक है। तो मैंने फीडबैक जो हमारे कलेक्ट होता है उससे हमारा जैसे इंक्रीमेंट जिसे कहते हैं ना, एप्रिसिएशन या इंक्रीमेंट, वो मिलता है। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने अभी जोमेटो स्विगी या डिलीवरी बॉय अक्सर क्या कहते हैं, डिलीवरी देने के बाद मैडम रेटिंग जरूर कर देना, मैडम स्टार जरूर दे देना, वो इसलिए कहते हैं स्टार रेटिंग पे उनकी सैलरी और उनकी पोजीशन वो डिपेंड करती है। तो जो संरचना होती है ना, स्ट्रक्चर कहते हैं, वो संरचना बनाना, पुअर वेरी पुअर गुड वेरी गुड और एक्सीलेंट, 5 रहते हैं और 5 फेस रहते हैं। तुम्हें लगता है कि एक्सीलेंट है तो तुम स्माइली फेस और एक्सीलेंट में क्लिक कर देते हो। तो ये जनमत संग्रह का स्ट्रक्चर होता है, संरचना जिसकी बात करते हैं। इसको आप ऐसे एग्जांपल से, या फिर हम जब देखते हैं कई बार न्यूज़पेपर्स में कि आप बीजेपी की या कांग्रेस की गतिविधियों से या उसकी कार्यप्रणाली से खुश हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन आती है, हाँ नहीं या बिल्कुल बीच में, हाँ भी नहीं है, ठीक ठाक है भाई, काम भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, हम तो बीच में है ना। तो ये सब क्या होता है, स्ट्रक्चर संरचना। नेक्स्ट आता है मतैक्य कहते हैं जब सबका मत एक हो, मतैक्य मत एक, उसे ही जनमत कहेंगे, जनमत उसे नहीं कहेंगे, आधे चार बच्चे कुछ कह रहे हैं, चार कुछ, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा,
कॉन्क्लूजन तब निकल के आता है, निष्कर्ष और अच्छा निष्कर्ष तब निकल के आता है जब सब में मत एक्य हो, सबका मानना एक हो, सबकी रुचियां समान हो। और ज्यादातर लोगों की यदि रुचियां समान होती है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। लोकतंत्र में हम जब कहते हैं जब चुनाव होता है जिसको सर्वाधिक वोट पड़ते हैं वो चुनकर हमारे नेता के रूप में शासन करते हैं, तो मत है के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया जो स्टेप फॉर्मेशन है पब्लिक ओपिनियन के इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ध्यान रखना अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं रखना है। और मैं सभी से इवन मैं कई बार देखती हूँ जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो बाहर इलाहाबाद बनारस गोरखपुर यहाँ के स्टूडेंट को मुझे भेजते हैं कमेंट, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैडम बनारस आपको बहुत लाइक करता है, तो मुझे फील होता है रहती तो मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ शायद मेरी, तो वो कहते हैं मैडम हम आपकी वीडियो से ना लिखना सीख गए हैं कैसे फॉर्म। तो मैं तुम्हें वही बात सिखाना चाह रही हूँ, रटना सॉल्यूशन नहीं है कि पूरी किताबों के बड़े बड़े क्वेश्चन रटोगे तभी तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, नहीं। तुम समस्या या विषय को समझो, इसके दो एग्जांपल दो, तुम्हारा लिखने का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन की हमारे एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है 500 वर्ड 600 वर्ड, तुम्हें रटना नहीं है समझ के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम जनमत को प्रभावित करने वाले कारण। देखिए पब्लिक ओपिनियन प्रभावित करने वाले कारक की कौन से वो फैक्टर्स हैं, फैक्टर इफेक्टिंग जो ये हमारे पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रेरणा, प्रेरणा मोटिवेशन, प्रेरणा किसे कहते हैं मोटिवेशन। कई बार कहा जाता है जैसे हमें बताया जाता है इवन तुम क्लासरूम में बैठे हो या तुमने, मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जनमत किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लोकतांत्रिक देश में किसी सरकार को चुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में, अपने विचारों को व्यक्त करने में, इवन महाविद्यालय में जब फीडबैक फॉर्म लिए जाते हैं शिक्षकों के वहाँ अपने जनमत को यूज कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आती है प्रेरणा। प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन जो हमारे अंदर से हमें मोटिवेट करती है। मोटिवेट क्या करती है, अरे इस इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है, यूथ के लिए ऐसा अच्छा कार्य किया है, एजुकेशन पॉलिसी में ये बदलाव किए हैं, हमें स्कॉलरशिप लेके पढ़े हैं, हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम भी यही सरकार आए। तो जब हम मोटिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, और फिर अगर हमारा मोटिवेशन नेगेटिव है कि सरकार हमारे फेवर में नहीं है, यूथ की सुनती नहीं है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट रेट भी नहीं भरा है, अब की बात तो हम ये सरकार नहीं आ रही, तो हमें अंदर से मोटिवेशन क्या आया है उसके प्रति नेगेटिव, हमने वोट नहीं दिया, हमने वोट किसी और को दिया। तो हमारी प्रेरणा जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से, आपने जोमेटो से ऑर्डर किया, पिज्ज़ा ऑर्डर किया, 300 रुपये खर्च किया, पिज्ज़ा आया, पिज्ज़ा ठंडा, ना सॉस के सैशे हैं ना ऑर्गेनो है, बहुत खराब है, अब से इस वाली कंपनी से हम पिज्जा नहीं लेंगे, हमारा मोटिवेशन। तो कहने का मतलब हमारी आंतरिक प्रेरणाएं भी जनमत को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही विरोधी प्रभाव, अपोजिशन जिसे हम कहते हैं, अपोजिशन इफेक्ट, विरोधी प्रभाव। तो कई बार जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं वो भी जनमत को प्रभावित करते हैं। कोई पॉलिटिक्स जैसे अब हम देख रहे थे, कहीं भी अगर हम देखें पाकिस्तान की हालत, आजकल तुमने सुनी होगी इमरान खान, लोग बड़े रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, बड़े उनके प्रति उनके मन में बड़ी दुर्भावना छुपी हुई है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जब लोगों के प्रति आप ऐसा स्वभाव रखोगे कि सब मुझे ही मिल जाए, सारे फायदे मुझे ही हो, ठीक है, आप यदि अपने जनता के हित का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आगामी दिवसों में उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परिणाम सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई लीडर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको दोबारा चुनकर आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है।
यदि कोई लीडर इस भूल में है कि मैं तो बन गया हूँ 5 साल के लिए, अब मेरा बिगाड़ ले कोई, क्या बिगाड़ सकता है, तो वो भूल जाए 5 साल के बाद वो दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि विरोधी प्रभाव जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो दोबारा लोगों के मन में ऐसे भाव पैदा कर देती हैं कि कभी वो व्यक्ति दोबारा आ नहीं सकता। इवन प्रोडक्ट्स को भी ले लीजिए, हम ऐसा प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीदेंगे, हमने देखा उसके चकाचौंध को, उसके पैसों को, सब चीज मिलाया खरीदा, जो प्रोडक्ट आया बहुत खराब, हम रिटर्न करने लगे, रिटर्न भी नहीं हुआ, अब तो बहुत गुस्सा बढ़ गया, डिलीट ऐप डिलीट करो। तो ये विरोधी प्रभाव, नेतृत्व होगा ये, नेतृत्व लीडरशिप, ये नेतृत्व होगा ना, लीडरशिप। देखो नेतृत्व जो होता है, एक अच्छा नेता, नेतृत्व आगे मैं तुम्हें लीडरशिप भी पढ़ाऊंगी, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, हमारे व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना। ध्यान से सुनिए मेरी बात, लीडरशिप आगे आने वाले चैप्टर में मैं तुम्हें डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाऊंगी, व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व किसे कहते हैं, नेता अलग चीज हो गई, नेतृत्व कहते हैं डायरेक्शन, जो हमें राइट डायरेक्शन दे, जो हमें सही राह दिखाए, चाहे कोई बच्चा भी हो, चाहे कोई टीचर्स भी हो, टीचर्स भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स, कई बार हमें लगता है कि समझाते रहते हैं, हमें लगता है हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं लोग, क्योंकि उनको हमारी ज्यादा फिक्र होती है। फिर कई बार हमारी सहेली या हमारे टीचर्स जब हमें बताते हैं तो हमें लगता है हाँ मम्मी सही कह रही थी, मैडम भी यही बता रही है, साथ में सहेली भी यही बता रही है। नेतृत्व का सीधा अर्थ होता है हमारे व्यवहारों को उत्तमता की ओर निर्देशित करना, अच्छाई की ओर ले जाना, सही मार्गदर्शन देना, जिसे कहते हैं ना सही राह दिखाना, उसे कुशल नेतृत्व माना जाता है। और जनमत को जो प्रभावित करने वाला सबसे लीडरशिप में, राजनीतिक दलों में सबसे इफेक्टिव होता है नेतृत्व। आप देखते होंगे जिस पार्टी का नेतृत्व जितना स्ट्रांग होगा वो पार्टी पूरे देश में जीतती है। आज मैं मोदी जी को कहूंगी पूरा देश योगी जी और मोदी जी बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है, लीडरशिप, उनकी लीडरशिप ऐसी है, उनका नेतृत्व ऐसा है कि सब उनके नाम पे वोट दे रहे हैं, उनके नेतृत्व को सराह रहे हैं। मैं कोई पार्टी के फेवर में नहीं हूँ कि मैं यहाँ मोदी जी योगी जी या कांग्रेस का प्रचार करने आई हूँ, मैं तुम्हें जस्ट एक कुछ एग्जांपल से उससे समझा रही हूँ, उदाहरण से, कि हमारा नेतृत्व मात्र इसी के नहीं, कहीं भी आप देख दीजिए, अन्ना हजारे ने जब मूवमेंट चलाया था, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें आए, उनकी सरकार बनी, लेकिन आज मैं यही कहूँगी आप पार्टी के पीछे सबसे बड़ा हाथ अन्ना हजारे जी का था, वो पार्टी बनी ही अन्ना हजारे के मूवमेंट से, उस मूवमेंट ने देश में इतनी क्रांति ला दी थी, सारा यूथ पीछे चल पड़ा था, और जहाँ यूथ होता है वहाँ सरकार होती है, देश का यूथ, तुम जो युवक होते हैं ना, ये देश के निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो जहाँ यूथ होता है वहाँ सरकार होती है। तो जो अन्ना हजारे का मूवमेंट थे, उनके मन में कोई लालच नहीं था, उनमें किसी चीज की चाह नहीं थी, वो चाहते थे ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो मतलब वो लोकपाल योजना की, भ्रष्टाचार मिट जाए हमारी सोसाइटी से, वो चाहते थे सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हो कि सबको पता हो कितना बजट आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, लोग सरकार कहाँ लगा रही है, जिससे हम अपनी सब चीजों को समझे, क्योंकि हम भी टैक्स पेयर हैं। तो कहने का मतलब अन्ना हजारे का नेतृत्व ऐसे था कि उसने कईयों की दिशाएं बदल दी थी। तो कुशल नेतृत्व भी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लीडरशिप किसको प्रभावित करने के लिए, जनमत। ऐसे ही सोशल वर्क, सोशल क्लास, सॉरी सामाजिक वर्ग, जो सामाजिक वर्ग होता है, सोशल क्लास होती है, सामाजिक वर्ग देखिए किसे कहते हैं, हम सभी सामाजिक वर्ग में ही आते हैं। सामाजिक वर्ग के कई प्रकार होते हैं, शिक्षक वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, नौकरशाही वर्ग, ठीक है, मजदूर वर्ग, ये सब सोशल ग्रुप्स में ही आते हैं, जिसे हम सामाजिक वर्ग कहते हैं। ये जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं ये भी बहुत प्रभावित करते हैं पब्लिक।
पब्लिक ओपिनियन को, महंगाई बढ़ी या महंगाई घटी, इसका सीधा फर्क कहाँ जाता है? टोटल सरकार के ऊपर। आज सिलेंडर महंगा हो गया तो विरोधी दलों ने क्या किया, सिलेंडर को कंधे पे लाकर हाय 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 सरकार मुर्दाबाद, क्योंकि उससे क्या होता है, आम आदमी या जो गरीब तबका होता है, जो मध्यम वर्ग होता है, उनकी किचन का जो बजट होता है वो गड़बड़ा जाता है। सब्जियां महंगी होती है तो आम आदमी, अमीर आदमी का कुछ नहीं है, आम आदमी को कठिनाई होती है। हमारे एसेंशियल दवाइयों के दाम जब बढ़ जाते हैं, चिकित्सा की सुविधाएं में जब दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे हित प्रभावित होते हैं। तो ये सोशल क्लास भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जनमत को प्रभावित करने में, क्योंकि इसकी क्यों प्रभावित करता है क्या कोई बताएगा? सोशल क्लास जनमत को क्यों प्रभावित करता है? जो लोग चाहते हैं वो नहीं होगा, तो वो सबसे मेन फैक्टर इनकी संख्या ज्यादा। अमीर वर्ग होता है मुट्ठी वर्ग, जितने भी हम क्लास देख रहे हैं, महिला वर्ग होगा, शिक्षक वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, सबकी जनसंख्या ज्यादा है। जिसकी कहते हैं ना समूह में शक्ति होती है, संख्या ज्यादा होने के पास उनके पास पावर है। नेक्स्ट आता है अफवाह और प्रचार। कई बार गलत अफवाहें, आजकल मैं नया ट्रेंड देख रही हूँ न्यूज चैनल पर, वायरल खबर। वायरल खबर निकली झूठी, लिप्स रीडिंग कर देंगे, ठीक है, कहीं किसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए लिप्स रीडिंग कर देंगे। हाल ही में मैंने एक वायरल न्यूज देखी थी कि केदारनाथ में वो एवलांच आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, अफवाहें और प्रचार, जो गलत प्रचार है। जब लोगों ने देखा केदारनाथ में एवलांच आ गया, लोगों ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी, हम नहीं जाएंगे, डर गए लोग। तो ये अफवाहें एकदम से किसको प्रभावित करती है, पब्लिक ओपिनियन को। तुमने इलेक्शन के टाइम पर देखा होगा फला मंत्री तो शराब बांट रहे हैं, नोट की गड्डियां उड़ा रहे हैं, ठीक है, अफवाहें फैलाने, दूसरे की छवि को धूमिल करने के लिए। समझिए मेरी बात, पब्लिक ओपिनियन जनमत किस पर निर्भर करता है, हमारे पॉजिटिव रिस्पांस पर। हम इस नेता को पसंद करते हैं, तुमने देखा कि वो नेता शराब के नशे में झूमते गया, वीडियो वायरल हो गई, तुम्हारे मन के सारे वो धुल गए अरमान, अरे ये तो अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा हुआ समय पे हमें इसकी वीडियो मिल गई, अब हम इसको वोट नहीं देंगे। तो अफवाहें और प्रचार, प्रचार प्रोपेगेंडे कहते हैं, र्यूमर्स अफवाहें र्यूमर्स। तो ये र्यूमर्स एंड प्रोपेगेंडा ये भी जनमत को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, परिस्थितियां या घटनाएं। हमारी जो जितनी जैसी परिस्थितियां होती हैं और घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान की जो इस समय कंडीशन है, जितनी वहां पर महंगाई बढ़ी हुई है, वहां की परिस्थितियां घटनाएं ने जो वहां की सरकार है उसको टिकने नहीं दिया, ठीक है। तो परिस्थितियां और घटनाएं भी जनमत को बदल देती है। हम रूस और यूक्रेन का युद्ध कब से सुनते आ रहे हैं, चल रहा है, पूरा यूक्रेन तबाही की ओर चला गया। मैं ये मानती हूँ ये युद्ध नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं किसी मामले में परिस्थितियां और घटनाएं, पूर्व धारणाएं और सामाजिक मूल्य से उसी में आता है सोशल वैल्यूज, हमारी सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। व्हाट इज वैल्यू, मूल्य क्या होता है, सोशल वैल्यू जो समाज स्वीकृति रही है, जैसे क्या क्या, जैसे ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति, उदारता, ठीक है, ये सब सोशल वैल्यूज होते हैं। सब चीज ध्यान से समझो, एक एक शब्द का मतलब समझो। हमारी वैल्यूज भी जनमत को प्रभावित करते हैं। किसी भ्रष्टाचारी को देख लेंगे तो हमारा मन रुष्ट हो जाएगा कि फला मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो हमारा मन खिन्न हो जाएगा, हम तो उनको इतना ईमानदार समझते थे। तो हमारे सोशल वैल्यू, देशभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, ठीक है, मेहनत, लगन, उदारता, ये सब सोशल वैल्यूज है। ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो किसको प्रभावित करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं। तो ये है पब्लिक ओपिनियन, जनमत, जनमत की परिभाषा, जनमत की हमारे जो स्टेप फॉर्मेशन होते हैं, जनमत रचना के चरण या
जनमत को प्रभावित करने वाले कारण फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।